एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में आइए हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। दोस्तों आपके विषय का नाम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। ये पूरा विषय दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। जो बच्चा सीखता है उसका आप इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि बच्चा कितना सीखा है और कौन कौन से मेथड है जिससे आप जानेंगे कि बच्चा कितना सीखा है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग फर्स्ट पार्ट को हम देखेंगे और इसमें हम समझेंगे कि मापन किसे कहते हैं, जिसको मेजरमेंट कहते हैं, आकलन किसे कहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है दोस्तों जो है मूल्यांकन। और मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसके अलावा कुछ और मूल्यांकन है, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसको भी देखेंगे। और एक देखेंगे निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और एक और टॉपिक देखेंगे जिसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट का मतलब जो बच्चा लास्ट में कितना पाया, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि मापन किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि किसी की मेजरमेंट करनी है, किसी की हाइट मेजरमेंट करना है या कहीं कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो वास्तव में आप करते क्या। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ये मेरी हाइट है, तो मेरी इस क्वालिटी को, इस गुण को आप नंबरों में व्यक्त कर देते हैं, आप संख्या में निर्धारित करते हैं कि इसकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, 5 फीट 10 इंच है, ठीक है। तो मापन क्या है भाई, मापन किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को, चाहे अगर मैं कह दूं कि आप जरा ये इसकी वेट बताइए कितना, आपने कहा कि 5 kg, तो 5 kg क्या है दोस्तों, एक संख्यात्मक मान में आपने व्यक्त कर दिया। अच्छा, 5 kg में भी दो चीजें हैं, पहला 5 नंबर है, दूसरा केजी। केजी क्या है, मतलब एक गुण है, एक यूनिट जिसको कहते हैं। मापन मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया है। जैसे केजी और केजी की तुलना हमने चीनी से कर दी, आलू से कर दी, सामान से कर दी, ठीक। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है और इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो हम किसी वस्तु की तुलना पूर्व निर्धारित, जैसे केजी हमारा निर्धारित है कि 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, ये हमारा निर्धारित है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक वस्तु की तुलना हम उस राशि से करेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला क्या होता है दोस्तों, पहला उसकी मात्रा, उसके बाद उसकी राशि होती है, यूनिट होती है, ठीक। कहने का सिंपल सी बात यह है दोस्तों, देखिए मापन का बहुत आपके शिक्षा में इस्तेमाल नहीं है। आपकी शिक्षा में किसका इस्तेमाल है, आपकी शिक्षा में इस्तेमाल है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन। पहले मापन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं और यह मीटर एक मानक यानी कि मात्रक है, यूनिट है, जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकेंड है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो यहाँ बात हो गई मापन की। मापन का बस इतना समझना है हमें कि मापन क्या है दोस्तों, किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसी प्रकार से मापन का ये दो परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे हम आकलन पे। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंक प्रदान करना, जैसे कि आपकी हाइट को मैंने एक अंक प्रदान कर दिया कि आप 5 फीट 5 इंच, ठीक। उसी तरह ये किसने कहा था, एस स्टीवंस ने कहा था। हेल्मस्टर ने कहा था कि मापन की को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंगिक वर्णन करता है, मतलब अंकों में उसका वर्णन करता है, उसको अंकों में बता देता है, ठीक है। तो ये हो गई बात मापन की परिभाषा की। अब आई दूसरा टर्म आकलन। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जैसे मापन हो गया, आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये शब्दों के खेल है। आप इनके शब्दों को समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं आपसे कह दूं पैसा। पैसा क्या है भाई, पैसे के अंदर रुपीस भी आ जाएंगे, नोट भी आ जाएगा। अब मैं कह दूं कि रुपया, ठीक है, तो रुपया क्या है, पैसा, रुपया, और मैं कह दूं करेंसी, तो इन तीनों में देखेंगे तो जैसे कि भारत की करेंसी रुपया है और रुपया क्या है, पैसा है। ये तीनों आपस में इस तरह जुड़े हैं कि आपको लगेगा कि ये समान है और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो ये आप क्या है, शब्दों को जानना है। पैसा मतलब सारी चीजें आ गई, रुपया मतलब पर्टिकुलर आप रुपया की बात करें, करेंसी मतलब किसी देश की करेंसी प्रेजेंट करना। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पे मापन, आकलन, मूल्यांकन, परीक्षण, टेस्ट, ये एक दूसरे से इसी प्रकार से जुड़े हैं। आपको शब्दों को समझना है और उस शब्दों के हिसाब से आपको लिखना है।
तो जैसे आकलन की हम बात करें तो आकलन का मतलब क्या होता है, जैसे आम चाल की बोल भाषा में भी जैसे गांव में अक्सर ये कहते हैं कि आंकना मतलब अंदाजा लगाना, ठीक। तो सरल भाषा में आंकना का अर्थ है पास बैठना एवं अवलोकन करना, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, निगरानी करना। यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्र करना, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, आकलन का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, नहीं, आप उसको बैठिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, फिर उसके बारे में कोई निर्णय लीजिए, कोई अंदाजा लगाइए कि वो बच्चा किस हद तक जा सकता है, कहाँ तक उसकी पढ़ाई चल रही है। इसको एक और शब्दों में कहते हैं दोस्तों, जैसे मापन का अर्थ बताना, आकलन का मतलब होता है मापन का अर्थ बताना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मापन क्या था, मापन था कि किसी की भौतिक राशि को संख्या में बताना, और आकलन का मतलब होता है अवलोकन करना, अंदाजा लगाना, उसके बारे में जानना। एक और शब्द याद रखिएगा कि मापन के आंकड़ों का अर्थ बताना, ठीक। ये हो गई आकलन। आकलन की एक परिभाषा देख लीजिए, आकलन में छात्रों के व्यवस्थित विकास का आधार अनुमान है, ठीक है। ये क्या भाई, अनुमान है, या किसी वस्तु की या किसी वस्तु को परिभाषित कर चयन, संरचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं को उपयुक्त प्रयोग पर छात्र तथा विकास अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आप जैसे कि आपने देखा कि बच्चे के अंदर ये कमी है, फिर आप उसके क्या करेंगे, उसके अधिगम को बढ़ाएंगे, सुधार करेंगे। तो ये हो गई बात आकलन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से शुरू होता है वो होता है दोस्तों मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कैसे होगा, आपने मापन कर लिया, आकलन कर दिया, अब यहाँ पे आता है मूल्य निर्धारित करना। मूल्यांकन विस्तृत चीज होती है जिसमें हर एक मापन भी आ जाएगा मूल्यांकन में, मापन के बाद ही आप मूल्यांकन करेंगे। कोई बच्चा मान लीजिए परीक्षा में 10 नंबर पाया तो उसकी मापन हो गई। 10 नंबर पाने के बाद क्या वो पास हुआ कि फेल हुआ, तो पास हो गया ये उसका आकलन हो गया। अब आप बताएंगे कि उसकी स्थिति क्या हुई, क्या उसका पहले से सुधार हुआ या पहले से वो कम नंबर पाया, परीक्षा कक्षा और क्लास रूम में उसका स्थान क्या है, क्या वो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर है, मध्यम वर्ग में है, किस वर्ग में है, ये सारी चीजें जानना, ये सारी चीजें समझना, ये उसका मूल्यांकन कहलाएगा। एक विस्तृत रूप है जिसमें आप हर एक पहलू को जानेंगे, और ये प्रक्रिया दोस्तों मापन के बाद होती है। मापन की जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन में शामिल होती है, ठीक है। अब आइए, मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना, दूसरे शब्दों में मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग मतलब उससे जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक। मापन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, याद रखिएगा यहाँ पे समझ आएगा कि मापन के अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के विशेषताओं का अवांछनीय दृष्टिता किया जाता है। मापन मूल्यांकन का ही अंग है, मतलब दोस्तों उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है, और मापन क्या है दोस्तों, मूल्यांकन का अंग है। और यहाँ से बात और क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिएगा कि मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन, यानी कि मूल्यांकन क्या करता है, किसी वस्तु या किसी प्रक्रिया का, किसी विशेषताओं का मूल्य निर्धारित करता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक या गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब इससे दोनों परिणात्मक का मतलब जैसे अंकों में कि बच्चा इतना परसेंट पाया, परसेंट पाने के बाद उसका गुणात्मक वो कितना अच्छा हुआ, कितना कम हुआ, ये सारी चीजें, तो परिणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के उसके अंदर सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्राप्त होती, जिनका आधार बालक की योग्यता उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। अब इसके बाद मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ इसे मापन प्लस मूल्य निर्धारण, तो ये हो गए मूल्यांकन। समझ में आ गई बात, मूल्यांकन का मतलब दोस्तों एक विस्तृत है जिसमें मापन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं, आप इसको एक बार पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शब्दों का खेल है दोस्तों कि कैसे आप शब्दों को बनाकर लिख लेंगे। बात तो वही है कि इवैल्यूएशन, जो बच्चे का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कितना पाया। अब आइए, इस प्रकार मूल्यांकन का आशय है कि मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारित है, अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारक परिवर्तन किस सीमा तक हुआ, ये जानना कि कहाँ तक उसको सुधार हुआ, इसका मूल्यांकन करके निर्णय देना। अतः मापन मूल्यांकन का ही भाग है तथा सदैव उसमें निहित रहता है। समझ में आ गया।
बहुत ही आसान तरीका है, शब्दों को बना के लिखना है। मापन से क्या करते हैं, मूल्य निर्धारित करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा, किस सीमा तक पढ़ा, कहाँ तक उसके अंदर कमी रह गई है, कैसे उसको और सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब जब आप मूल्यांकन करते हैं, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे आपके दिमाग में, क्योंकि हम इस फायदे से लेकर इस कारण के लेकर। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या है कि छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। अगर कहीं कमी बेसी रह गई तो हम उसकी सहायता करें। छात्रों में अर्जित ज्ञान की जांच करना, ये जानना कि कहाँ तक उसकी ज्ञान अर्जित हुई है। छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ें उनकी वृद्धि या विकास में कुछ बाधा आ रही है। छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना, पढ़ाई में कोई बाधक तत्व है तो उसको जानना। छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी करना, ये भी समझना कि कौन बच्चा एक दूसरे से कितने भिन्न है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, वो अच्छा नंबर पा रहा है, दूसरा कम पा रहा है, तो हम इस कमी को जानेंगे कि क्लासरूम में मान लीजिए सारे पास होंगे लेकिन कौन कितना कम पा रहा है, कौन कितना जाना पा रहा है। कक्षा उन्नति व रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण, मतलब कक्षा उन्नति आगे आपको क्लासरूम में जा भेजना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी जॉब के लिए आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपके बारे में निर्णय लेना, आगे आपको भेजना है, कक्षा उन्नति कर इसके बारे में जानकारी लेना। शिक्षण में सुधार करना, इसमें शिक्षण का भी टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि भाई कैसे पढ़ाना है, कैसे और बेहतर पढ़ाना है। अध्यापकों के शिक्षण प्रभावशाली का ज्ञात करना, ये जानना कि कौन से टीचर कितने प्रभावशाली तरीके से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान से शब्दों में आपके लिए यहाँ पे लेके आया गया, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और ये क्या हो गए, पूरे उद्देश्य हो गए मूल्यांकन के उद्देश्य। बस आप सुनते हुए चलिए, परीक्षा में ऐसे ही लिख दीजिएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। मूल्यांकन जब आप करते हैं तो कुछ स्टेप होते हैं जिसे हमें आगे चल के करना होता है। अब इसमें देखिए क्या है कि भाई हर एक विषय का अपना अलग अलग उद्देश्य है, हर एक बिछाने का पढ़ाने का तरीका भी दोस्तों अलग है, बच्चों के व्यवहार का तरीका भी अलग है। तो इसी प्रकार से मूल्यांकन को कुछ क्रमबद्ध तरीके से बांट दिया गया है, कुछ विशेष स्टेप में बांट दिया गया है। इस तरीके से आप इस प्रोसेस स्टेप से आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते। पहला दोस्तों सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। अच्छा आप में से कितने लोगों ने लेसन प्लान बनाया है? जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जब आप शुरू करते हैं तो एक होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब आप ये जानेंगे कि यह विषय पढ़ाने से बच्चे का क्या फायदा है। तो आप पहले ये जानेंगे कि सामान्य उद्देश्य क्या है, हम इसलिए ये विषय पढ़ा रहे हैं। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल क्या क्या चीज़ें आती हैं उस टॉपिक के, उस प्रकरण से बच्चे के अंदर क्या फायदा होगा। तो पहला हमारा सामान्य उद्देश्य निर्धारण करना, दूसरा विशिष्ट स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हमें निर्धारण करना, तीसरा दोस्तों शिक्षण बिंदुओं का चयन करना कि हम बच्चे को किस किस पॉइंट पे पढ़ाएंगे, कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सा शिक्षण बिंदु है जो हमें पढ़ाना है। तो ये क्या है दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो पहले आप उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, फिर वो पॉइंट या निर्धारित करिए कि हमें इन पॉइंट को पढ़ाना है, इन पॉइंट पर मूल्यांकन करना है। उपयुक्त अधिगम क्रियाओं को आयोजित करना, कौन सा परफेक्ट, कौन सा उपयुक्त अधिगम क्रिया होगी, किस तरीके से पढ़ाएंगे ये जानना। छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ ये जानिए। फिर जो भी आपके पास साक्ष्य प्राप्त हुए उस आधार पर मूल्यांकन करिए, और मूल्यांकन के बाद आप एक बार फीडबैक लेंगे और अगर जैसे मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चला कि ये बच्चा कमजोर है, फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे और फिर उसको दोबारा पढ़ाएंगे। परिणामों की पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त करना, दोबारा उसको प्रयुक्त करना। तो बस ये आप स्टेप समझिए। स्टेप में क्या था दोस्तों, दो पहले तो उनके उद्देश्य निर्धारण करेंगे सामान्य और विशिष्ट, फिर किस शिक्षण बिंदुओं का चयन करेंगे, फिर उपयुक्त अधिगम कौन सा मेथड, कौन सा तरीका उपयुक्त है इसको जानेंगे, बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, और जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जो आंकड़े प्राप्त हुए उस पर मूल्यांकन करेंगे और बच्चों को उस पर लागू कर देंगे। ये हो गई बात सोपान की। अब विशेषताएं, मतलब कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए मूल्यांकन की, कुछ स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए समग्रता, मूल्यांकन का मतलब समग्रता होना चाहिए। समग्रता मतलब एक व्यापक रूप होना चाहिए, केवल बच्चे का पढ़ाई ही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि वो सीखा, व्यवहार कितना परिवर्तन हुआ, उसकी गतिविधियां कैसे हुई। कोई बात नहीं, जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन चुपचाप से रहता है, वो बोलता नहीं है, गेम में भाग नहीं लेता है, किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेता है, तो ये उसका विकास नहीं हुआ। समग्रता मूल्यांकन जब आप करेंगे तो कंप्लीट देखेंगे कि उसका शारीरिक कितना विकास हुआ, शैक्षिक कितना विकास हुआ, मानसिक रूप से वो कितना विकास हुआ। तो मूल्यांकन के अंतर्गत एक समग्रता होनी चाहिए। विश्वसनीयता मतलब जो व्यक्ति कर रहा है या जिस तरीके से कर रहा है वो विश्वसनीय हो, जिस पे हर एक कोई विश्वास रखे। वस्तुनिष्ठता का मतलब दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिफाइज मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आके मूल्यांकन किया और मैंने कह दिया बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, अगला कोई व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा नहीं ये तो पढ़ने में, तो वस्तुनिष्ठता का मतलब चाहे आप करें, हम करें, कोई भी व्यक्ति करे, परिणाम सदैव एक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप देंगे, अभी सीटेट का पेपर देंगे, तो चाहे
कोई भी चेक करे उसका आंसर एक होगा, एक ही भी। ये इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इसीलिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि चाहे कोई भी मूल्यांकन करे परिणाम हमेशा सेम हो। व्यवहारिकता उसके व्यवहार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके व्यवहार को जानने वाला होना चाहिए। वैधता मतलब वैलिड भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आज कर दिया, कल के लिए वो वैलिड नहीं है, कल के लिए वो खराब हो गया, तो नहीं, वैलिड होना चाहिए जिस पर कुछ निर्णय ले सके, कुछ लंबे समय तक वैध हो। विभेदीकरणता मतलब सबके लिए अलग अलग हो, सबको एक तरीके से नहीं नाप सकते, सबको एक तरीके से नहीं माप सकते, तो एक विभेदीकरण हो। और पूर्व कथनात्मक हो, पहले से पता होना चाहिए कि हम कौन सा वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, किस उद्देश्य से करने जा रहे हैं, किस पर्पज से करने जा रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों हो गया क्या, ये हमारा हो गया इसके विशेषताएं। तो अगर केवल परीक्षा में आपसे विशेषताएं पूछ देता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या फिर 15 नंबर में पूछता है तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। जो मैंने समझाया उसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, पॉइंट बस इतने काफ़ी है, ओके। अब आइए दोस्तों, कुछ छोटे से पॉइंट है, फिर देखने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वो है दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार में शब्दों को समझते हुए चलिए, पहला है दोस्तों स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन, संरचनात्मक इवैल्यूएशन। अब आइए संरचनात्मक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। अब ऐसे एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाई से हट के सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पनीर की सब्जी बना रहा हूँ, ठीक। तो पनीर की सब्जी बनाते बनाते मैंने बीच में आपको थोड़ा सा पनीर दिया और कहा टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। तो आपने कहा ठीक है, या फिर आपने कहा नमक कम है। तो आपने जब कहा कि नमक कम है तो मैंने बाद में उसमें नमक डाल दिया, ठीक। चलिए ये हो गई एक तरीके के आपसे मैंने पूछा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पनीर की सब्जी बना लिया, कंप्लीट बन गया, आप टेबल पे बैठे हैं, दस्तखान लगी हुई है, आप खाने के लिए बैठ रहे हैं और वहाँ पे आप खा रहे हैं। फिर मैंने उस समय आपसे पूछा कि सब्जी कैसी बनी है, तो आपने कह दिया कि अरे यार खराब बनी है, अच्छी बनी है या नमक कम है। आपने उस समय तो दोनों में फर्क देख रहे हैं आप। जब बीच दौरान, जब बनाने के बीच में हमने आपसे पूछा था तो वो हमने इसलिए पूछा था कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सके, ठीक है। और वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी खाना बनाना। लेकिन जब खाना बनाना पूरा संपूर्ण हो गया उसके बाद मैंने पूछा तो मैं आपसे रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि कैसा बना है। तो यही दोनों फर्क है दोस्तों संरचनात्मक में और योगात्मक में। संरचनात्मक जब कोई शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में हो और मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके एवं उसकी प्रभावशालीता, गुणवत्ता, वांछनीयता, उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक कहते हैं। दो पॉइंट नोट करिए। जब कोई शैक्षिक अपनी प्रारंभिक अवस्था में या निर्माण अवस्था में, मतलब या तो शुरू में हो या तो अभी बनी नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो, कोई आप पढ़ा रहे हैं, आप कोई क्लास ले रहे हैं तो वो सेशन पूरा नहीं हुआ हो आपका, तो उसके बीच में जो आप उसका मूल्यांकन करते हैं उसकी प्रभावशालीता, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, ताकि आप बीच में उसको सुधार कर लें, तो इस तरीके का मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उसका मूल्यांकन कर सुधार करने की प्रक्रिया। मैंने बताया ना पनीर की सब्जी कंप्लीट, गैस बंद करने से पहले ही, तो कोई भी अंतिम रूप देने से पूर्ण उसका मूल्यांकन कर सुधार करने की प्रक्रिया संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कहलाती है। समझ में आ गई बच्चों? जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान, जैसे मान लीजिए प्री बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो वास्तव में इसी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्री बोर्ड में आप उसको परिणाम नहीं दे रहे हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्या कमियाँ रह गई, तो कमी रहेगी तो उसको सुधार कर लेंगे। बोर्ड का एग्जाम क्या है दोस्तों? योगात्मक, समेटिव। अब इसमें मान लीजिए इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स के बाद सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब ये आपको परिणाम देगा। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने को एवं उसे चालू कर देने के पश्चात, अंतिम रूप देने के पश्चात दोस्तों, पश्चात उसकी समानता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है उस योजना या कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे का आपने टेस्ट लिया, फाइनल टेस्ट लिया, तो आपको ये जानना है कि इस बच्चे को अगले क्लासरूम में प्रमोट करना है कि नहीं, या फिर किसी अगर मेथड्स का आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो अब इस योजना, जैसे किताब का करें तो क्या इस किताब को अगले साल रखना है कि नहीं, तो ये निर्णय लेने के लिए कि इस प्रक्रिया का आगे चालू रखना है कि नहीं, जब इस तरीके से करते हैं, कब करते हैं दोस्तों? अंतिम रूप देने के पश्चात करते हैं, ठीक है। तो यह क्या करते हैं दोस्तों? ये करते हैं, ये आता है किसके अंतर्गत? योगात्मक मूल्यांकन। अब भाई स्पष्टता योग्यता मूल्यांकन का अभिप्राय पहले से चली यारी योजनाओं को जारी रखना जाए या नहीं का निर्णय लेने होता है। कोई भी योजना अगर चली आ रही हो तो उसको जारी रखना है या नहीं, इसका निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रम में से किसको जारी रखा जाए या किसको छोड़ दिया जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति योग्यता मूल्यांकन के द्वारा की जाती है कि लास्ट में निर्णय लेने का। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, आप शब्दों को समझिए और शब्दों के हिसाब से आपको लिखना है।
सतत एवं व्यापक, सतत और व्यापक। सतत का मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यूअस, और व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो ओवरऑल इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की वृद्धि और विकास का समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन करता है। सतत का मतलब कंटिन्यूसली, आप जैसे मान लीजिए वो बच्चा पढ़ रहा है क्लासरूम में, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्यापक का मतलब संपूर्ण चीजों को, उसको खेल का, आध्यात्मिक भाव का, हर एक उसके बिहेवियर को आप देख रहे हैं। तो यही दोस्तों सतत एवं व्यापक। इसके द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। अब आइए, सतत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। देखिए ऐसे ही पूछेगा आपसे सवाल में, पूछेगा कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या करिए। तो जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या करनी है, तो आपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में लिखा, और सतत के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कैसे। सतत का मतलब होता है कि लगातार। तो इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, लगातार किया जाता है, मतलब और पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से ये चलता रहता है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। पढ़ाते रहेंगे और देखते रहेंगे, आकलन करते रहेंगे, समझते रहेंगे। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को नियमित आकलन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यापक का मतलब दोस्तों व्यापकता से आशा है समस्त कौशल गुणों का, बोलता कैसे है, लिखता कैसे है, खेलता कैसे है, देखता कैसे है, उसके समाज में कितना कंट्रीब्यूशन है, दोस्तों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, पूरे व्यापक, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं सहकर्मी भी शामिल है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरे वर्ष निरंतर उसके हर एक कंप्लीट इवैल्यूएशन करना सतत एवं मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आवश्यक होता है इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है, तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब जो पढ़ाने के साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ जो मूल्यांकन चलती रहती है पूरे वर्ष औपचारिक चाहे निरौपचारिक के माध्यम से। व्यापक का मतलब हर एक प्रकार के कौशल, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक, हर एक चीज का आप मूल्यांकन करेंगे। सो ये होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कोई दिक्कत बाबू? कोई समस्या नहीं। इसकी कुछ विशेषताएं और महत्व देख लेते हैं। यह छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में सहायता करता है। इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्र को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। तो ये जो विशेषताएं ना, वो हर एक प्रकार के मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की भी विशेषता है। चलिए यहाँ तक बात हो गई, समझ। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों। जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वही इसका भी उद्देश्य होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि मूल्यांकन हो या सतत मूल्यांकन हो, मतलब यही है कि बच्चों की कमियों को जानना, उनको और बेहतर बनाना। विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, कितना उसकी प्रगति हुई है, व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, सीखने का समुचित विकास में मदद करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, सृजनशीलता को बढ़ाना दोस्तों, बच्चों के व्यक्तिगत विशेषताओं की जरूरतों को पता लगाना कि अगर वो कमी रह गया तो उसको हम जानना। ये जो है ना भाई, ये जो पूरे मूल्यांकन की विशेषता ही है। कोई भी मूल्यांकन पूछे दोस्तों, आप उसकी विशेषता इसमें लगा सकते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई में दूर करने के लिए उपयुक्त योजना बनाना, बच्चों की रुचि जानना, कक्षा चल रही सीखने सिखाने को बेहतर बनाना, और बच्चों की परीक्षा के प्रति भय को दूर करना, स्वयं आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये हर एक प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता होगी। हर एक प्रकार के मूल्यांकन का कार्य यही होता है, विशेषता यही होती है कि उसकी कमी को जानना, कारण को जानना, डर को दूर करना, प्रोत्साहित करना, रुचना। तो ये सब एक विशेषता है। तो आप कोई भी विशेषता पूछे भी मूल्यांकन की, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट यहाँ से एक रह जाते हैं, वो है निदानात्मक परीक्षण और एक दूसरा है उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, निदान का मतलब, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कारण। कारण मतलब किसी कारण को जानना। अब यहाँ पे कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए आप केवल विशेष कारण को जानना चाहते हैं, तो उस कारण को जानिए, फिर उसको दूर करिए। ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या था कि आप स्वयं से निरंतर करते जा रहे कक्षा के दौरान। यहाँ पे आपको किसी कमी का पता चला, तो वो कमी किस वजह से रह रही है, उस कारण को आपको जानना है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चा स्कूल में लगातार नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है किसी टीचर ने डांट दिया हो, या फिर उसको टीचर से डर लग रहा हो, या फिर कोई बच्चा स्कूल से नहीं आ रहा है, या फिर कोई बच्चा स्कूल से भाग जा रहा है, कुछ बच्चा स्कूल में डर रहा है। तो इस किसी भी समस्या का कारण को जानना, ठीक है। तो हिंदी शब्द का मात्र है जिसका अभिप्राय होता है मूल कारण अथवा रोग के बारे में निर्णय। यदि अध्यापक अपने विद्यार्थी के व्याप्त मंदता, पिछड़ेपन या उसके सीखने की संबंधित समस्याओं को अवगत होकर निदान करता है, अथवा विद्यार्थियों की इन समस्याओं को निपटने के लिए शिक्षण करता है, तो वो निदानात्मक परीक्षण। यहाँ पे एक और कारण जानना है कि कोई बच्चा अगर नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हो, जैसे कि मेंटल लेवल कम होना, या फिर पिछड़ेपन होना, या फिर वो ऐसे जगह से आता है जहाँ पे पढ़ाई की उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ऐसे परिवार से। तो इस चीज़ों को जानना, इस कारण को जानना, फिर उसका निदान करना
फिर उसका उसको हल करना। तो इस प्रकार के परीक्षण क्या है, निंद्रात्मक परीक्षण कराते हैं। निंद्रात्मक परीक्षण ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसके द्वारा वस्तुओं के प्रत्येक इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमजोरी को जानने का प्रयास किया जाता है। उसके कारण जो खोजबीन की जाती है, उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं और बालक की शिक्षा में प्रगति की जा सके। ये दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं, ये चीज़ें की जाती है। चलिए निंद्रात्मक परीक्षण की परिभाषा देख लीजिए। पूछता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये निंद्रात्मक परीक्षण देखिएगा, पूछता है बहुत बार, पूछता है निंद्रात्मक परीक्षण, तो इस तरीके से आपको लिखना है। निंद्रात्मक का बेसिक सा मतलब ये, कारण लगाना, जानना और उसके लिए उपचार देना। गुड महोदय कहते हैं कि निदान का अर्थ अधिगम संबंधित कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। जोकम कहते हैं दोस्तों कि निदान किसी कठिनाई को उसके चिन्ह या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करके करने की कला है। यह तत्वों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। सबने यही कहा, क्या करना है दोस्तों, आपको कारण को जानना है और फिर जब उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य के अंतर्गत वही आएंगे, कठिनाइयों को जानना, कठिनाइयों को दूर करना। विशिष्ट विषय के अध्ययन में छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना। ज्ञान अर्जन में बाधक तत्वों का पता लगाकर सुधार उपाय करना। शिक्षण विधियों में सुधार के लिए सुझाव देना। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम छात्र की विशेषता और कमजोरियों को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाना। उपलब्धि परीक्षण के पदों का निर्धारण करना। मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण में विभिन्न प्रकार के चयनों की सहायता करना। अब यहाँ पे एक आया शब्द अचीवमेंट टेस्ट। ओके, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या दोस्तों, निंद्रात्मक का मतलब आपने कारणों को जाना, अचीवमेंट टेस्ट में आप ये जानेंगे कि बच्चे को कितना अचीव हुआ, इसको कहते हैं उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। तो जिस शब्दों में आपको पूछेगा उसी शब्दों में आपको जवाब देना है। निंद्रात्मक पूछेगा तो उनके कमी कठिनाइयों का कारण जानना, और उपचार ये अगर उपलब्धि परीक्षण पूछेगा, अचीवमेंट टेस्ट पूछेगा, तो ये अंततः निर्धारित करना कि बच्चे को कितना ज्ञात हो। उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन का एक माध्यम है जिसके द्वारा छात्रों के ज्ञान की परीक्षा की जाती है। कौन सा छात्र किस विषय में कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञात करना ही उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण में वे परीक्षाएँ हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों को और सिखाए जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता उपलब्धि का ज्ञान किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना ज्ञात हुआ। परिभाषा देख लीजिए, इसमें गैरिसन ने कहा है कि निष्पत्ति परीक्षा, निष्पत्ति मतलब वही अचीवमेंट टेस्ट परीक्षा, बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान सीमा का मापन करता है। एबल कहते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह है जो किसी छात्र द्वारा अर्जित ज्ञान या कौशलों की निपुणता का मापन करने के लिए बनाया जाता है, यह जानने के लिए बनाया जाता है कि बच्चे को कितना ज्ञात हुआ। ठीक, उपलब्धि परीक्षण के कुछ उद्देश्य देखेंगे, फिर इस वीडियो को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग बोल देंगे। तो उद्देश्य क्या होगा दोस्तों उपलब्धि परीक्षण का, कि विद्यार्थी की विषयगत पाठ्यक्रम उपलब्धियों की जाँच करना, कितना उसकी उपलब्धि हुई, कितना उसने समझा। अध्यापक के कौशल की जाँच करना कि टीचर कैसे पढ़ा पाए, उनका स्किल कैसा है। समस्या का निराकरण में सहायता प्रदान करना। शिक्षण विधियों की सफलता का आकलन करना। कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति को जानना। छात्रों की योग्यता अनुसार विभाजन या वर्गीकरण करना। छात्रों के परिणामों के आधार पर अध्ययन की प्रेरणा देना, प्रेरणा देना, कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसको और मोटिवेट करना, कोई बच्चा तेज है तो उसकी सराहना करना। आंकड़ों के आधार पर पाठ्यक्रम में मनोचित बदलाव लाना, अगर पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस लाना है तो ले आइए, क्योंकि सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पाठ्यक्रम में बदलाव लाएंगे। परीक्षणों के आधार पर शैक्षिक लक्ष्यों को अर्जित करना और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था करना। तो ये सारे हो गए पॉइंट दोस्तों। देखिए इसमें कुछ ऐसा अलग या नया की बात नहीं है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप दोस्तों पढ़ रहे हैं मापन आकलन मूल्यांकन, तो मापन का सिंपल से यही मतलब है कि बच्चों के बारे में जानना, कहीं कमी है वो जानिए, कहीं कमी कोई बाधा आ रही है किसी भी विकास में, चाहे शैक्षिक में हो, मनोवैज्ञानिक में हो, शारीरिक में हो, उसको जानिए, उसको सुधार करिए, उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं, वास्तव में यही मूल्यांकन है। अब शब्दों का खेल है, अगर सतत एवं व्यापक पूछे तो सतत का मतलब निरंतर, निरंतर का मतलब जो कक्षा में क्लासरूम में शिक्षण के साथ साथ चलती है, व्यापक का मतलब हर एक विषय वस्तु या हर एक प्रकार के तथ्य इसमें देखे जाते हैं। निंद्रात्मक कह के पूछे, निंद्रात्मक का मतलब कारण जानना, तो विशेष किसी कारण को जानने के लिए आप जानेंगे। अचीवमेंट टेस्ट पूछे तो आप अंततः यह देखेंगे कि बच्चे को कितना अचीव हुआ, तो ये जिस शब्दों में पूछेगा उस शब्द में आपको जवाब दे देना है। एक सवाल आपको कन्फर्म यहाँ पे मिलेगा आपके एग्जाम में। आसानी से समझिए इसको, आसानी से अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में हम शैक्षिक तकनीकी की और भी जो भी पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, मुझे उम्मीद रहेगा आपके कमेंट का।
और मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों। बाकी जैसी भी कोई समस्या आती है आप मुझे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उस पर सहायता की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।